लेपर्ड की आवाज है इस लेपर्ड की, इधर की तरफ से ही लेपर्ड की आवाज, इधर की तरफ से ही है बस सामने से लेपर्ड की आवाज, तो बिल्कुल सामने से इधर की तरफ से ही। खाता हूँ और मैं चलता हूँ गाड़ी में, अब बाहर रुकना, खतरे से खाली नहीं है यहाँ एक मिनट भी, क्योंकि गाइस लेपर्ड बिल्कुल ठीक सामने है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए कार कैंपिंग व्लॉग में। तो आज अपनी होने वाली कार कैंपिंग और वो भी सोलो, और लोकेशन के लिए निकल चुका हूँ, बस 5 से 10 मिनट में लोकेशन पे पहुंच जाऊंगा। और गाइस लोकेशन की बात करें, अल्टीमेट लोकेशन है, उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी है, लेकिन चलते हैं देखते हैं जो भी होगा। गाइस जहाँ पे एडवेंचर नहीं, मैं वहां पे कभी कैंपिंग नहीं करता, आप भी जानते हैं। और देखिए लोकेशन, आज गाइस सुबह से ही पूरा फॉग फॉग छाया हुआ है, पूरा कोहरा आ रहा था सुबह से, अब जाके थोड़ा सा सूरज दिखे हैं, देखिए सूरज देवता। थोड़ी सी देर के लिए गाड़ी के शीशे खोले तो ठंड इतनी भयंकर थी, और पूरी तैयारी से आया हूँ, साथ में देखिए टेंट भी लेके आया हूँ। अगर लगेगा कि टेंट लग सकता है, लोकेशन सही है, सेफ लगेगी मुझे, क्या टेंट में रुक सकता हूँ, तो आज अपना टेंट भी लगाएंगे, नहीं तो फिर अपना कार कैंपिंग ही करेंगे। तो फ्रेंड्स लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ और शाम हो गई, अंधेरा होने वाला है, मैं जल्दी से आपको एक बार लोकेशन दिखा देता हूँ, क्योंकि पूरे में कोहरा कोहरा आया हुआ है, फॉग छाया हुआ है, तो आज लगता है बुकिंग जल्दी करनी पड़ेगी, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पूरे हाथ सुन हो गए, बहुत भयंकर वाली ठंड है, बहुत अंधेरा हो चुका है, और देखिए कितना भयंकर अंधेरा है, और अंधेरे के साथ साथ पूरा कोहरा आ चुका है, पूरा फॉग, ये देखिए खतरा बहुत ज़्यादा है गाइस आज, क्योंकि पास का भी देखिए दिख नहीं रहा, और अभी फॉग आना शुरू हुआ है। और देखिए इधर मैंने अपना बारबेक्यू जमा दिया है, और खाने का सेटअप जमा दिया है पूरा, और इधर है अपनी गाड़ी, आज अपनी रात गाड़ी में कटेगी। और गाइस खतरा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर कोहरा नहीं होता तो हम दूर का टॉर्च मार के देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि हम अगर कोहरे में टॉर्च भी मारेंगे ना, तो देखिए कितना फॉग है, दूर तक भी देखिए पूरा लाइट में आपको नज़र आ रहा होगा, ये फॉग है पूरा, ये देखिए लाइट भी काम नहीं करती गाइस। कोई नहीं, मैं जल्दी से अपना डिनर बनाना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले काट लेता हूँ वेजिटेबल, ठंड बहुत भयंकर है गाइस, बहुत भयंकर ठंड है, ठंड का मत पूछिए कितनी भयंकर ठंड है, हवा इतनी तेज तेज चल रही है, ठंडी ठंडी हवा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम बर्फ में हो, बर्फ में चलती है इतनी ठंडी ठंडी हवा है। तो गाइस पहले जला लेता हूँ बोन फायर, क्योंकि ठंड बहुत भयंकर हो रही है, और ठंड के साथ साथ खतरा भी है, क्योंकि आज जो ये कोहरा आ चुका है ना, इसमें कुछ नज़र नहीं आएगा, रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो पहले बोन फायर जला लेता हूँ, इससे सेफ्टी रहेगी, दूसरी बात ठंड नहीं लगेगी। लकड़ी में पहले से ही साथ में लेके आया था, हवा का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हवा कितनी तेज चल रही है, इधर से हवा आ रही है, इधर की तरफ से बहुत भयंकर। ओहो आपके पास इतना अच्छा लग रहा है, इसको गाइस पे लगा हुआ छोड़ देता हूँ, तो सब्जी काट लेता हूँ। और देखिए जंगली जानवर की आवाज कितनी ज्यादा आ रही है, बहुत खतरा है गाइस इस लोकेशन पर, बहुत ज्यादा टाइम काफी हो चुका है, पीछे फॉग भी आ चुका है। चलिए कोई नहीं, पहले प्याज की क्यूब निकाल लेता हूँ, क्योंकि आज अपना बनने वाला है पनीर टिक्का,
क्योंकि आप लोगों के कमेंट आते हैं ना कि पनीर टिक्का बनाइए गाइस, बहुत पनीर टिक्का बनवाते हैं आप लोग कमेंट कर करके। लेकिन कोई नहीं, आपकी फरमाइश तो सराखों पे है, जैसा आप कहेंगे वैसा होगा। ये तो बॉनफायर जल रही है, तो थोड़ा वो है नहीं कि ठंड बहुत ज़्यादा है, हवा चल रही है और ठंड बहुत ज़्यादा है। इस पनीर को हवा बहुत भयंकर चल रही है, बहुत भयंकर लाइट वाइट सब हिल रही है अपनी, इतनी भयंकर हवा है भाई, बहुत भयंकर हवा चल रही है। अब भाई इसको कर लेता हूँ मैरिनेट, इसमें डालता हूँ दही। ये समझ लीजिए इतना ठंड हो रही है कि काम करने का ही मन नहीं कर रहा। दही डल चुकी है, अब इसमें मैं मसाले ऐड कर लेता हूँ। नमक, थोड़ा सा मिर्च पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा ही डालूंगा हल्का ही, और हल्का सा इस पर कॉर्नफ्लेक्स डालूंगा, ये जरूरी है। और अब इसको कर लेता हूँ मैरिनेट। पनीर टिक्का तो मैरिनेट हो चुका है, अब इसको सीको में लगा लेता हूँ। सीक में लगाना भी बहुत ज़रूरी है, ठंड इतनी हो रही है, दही में हाथ देने में भी ठंड लग रही है, समझ लीजिए आप। और अभी मुझे कोयला भी जलाना है, पहले मैं सोच रहा हूँ इनको सीको में लगा देता हूँ, जो कि थोड़ी देर ये रख के रहेंगे मैरिनेट होके ना, सीको में लगा के इनको थोड़ी देर के लिए रख दूंगा, 10-15 मिनट के लिए। इसको इस पर रख देता हूँ डायरेक्ट, ठंड बहुत भयंकर है, सर्दियों में कैंपिंग करना बहुत ज़्यादा कठिन काम है, और इससे भी ज़्यादा कठिन काम है रेन कैंपिंग करना। आप वो कर सकते हैं, लेकिन रेन कैंपिंग करना इससे भी ज़्यादा कठिन है। भाई आवाज आई है किस चीज़ की, इधर की तरफ से। Thank you.
चीज़ की आवाज़ थी, समझ में नहीं किस चीज़ की है। बस टाइम मुझे ज़्यादा हो चुका है, 9 बज गए हैं और अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा अपना अपने टिक्का बनने में। बस जल्दी कर रहा हूँ इसलिए, तो जल्दी बना के पता नहीं हवा इतनी तेज़ चल रही है कि कहीं दूर बहुत म्यूजिक बज रहा है उसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है। मेरा टिक्का तो सीख में लग चुका है, तो देखिए पनीर टिक्का तो सीखों में लगा चुका हूँ। और गाइस आज थोड़ा ही बना रहा हूँ क्योंकि सोलो कैंपिंग है और क्रीम वाला बनाऊँगा। देखिए दही बच चुकी है, इस दही में इसको डाल लूँगा। और देखिए आवाज़ इधर से आई थी गाइस, इधर से आवाज़ पता नहीं किस चीज़ की थी, इधर से आवाज़ आई थी इधर की साइड से। और फॉग आ रहा है, सारे में कोहरा कोहरा हो चुका है फॉग, और अपनी आग भी अच्छे से नहीं चल रही। इसको थोड़ा तेज कर देता हूँ और लकड़ी को आगे को लगा देता हूँ इनको। ठंड बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा, आग तो जलानी पड़ेगी। और देखिए म्यूजिक की आवाज़ जो आ रही है वहाँ से आ रही है, क्योंकि ओपन एरिया एक हवा चल रही है तो उसकी वजह से आवाज़ आ रही है। 3 से 4 किलोमीटर ज़्यादा ही होगा गाइस जहाँ से ये आवाज़ आ रही है। और एक बार देख लेता हूँ चारों तरफ, गाइस वहाँ पे कुछ नज़र आया मुझे, यहाँ पे मुझे ऐसा लगा जैसे किस चीज़ की आंखें दिखती हैं। गाइस सामने आंखें दिख रही है झाड़ियों में, देखिए इधर से ही आवाज थी और झाड़ियों में आके नजर आ रही है। इधर की तरफ ही चलिए गाइस, जल्दी से अपना पनीर टिक्का बनाता हूँ क्योंकि यहाँ रुकना सही नहीं है क्योंकि मैं अकेला वैसे हूँ। हवा इतनी ज्यादा चल रही है कि मुझे बारबेक्यू भी इधर रखना पड़ेगा, तब मैं इसको करता हूँ। पहले कोयला जला लेता हूँ, पहले मैं कोयला जला लेता हूँ। पता नहीं किस चीज़ की बार बार इधर से आवाज़ आ जा रही है, इधर की तरफ से समझ में नहीं आ रहा क्या है, बार बार आवाज़ आ रही है। बिल्ली जैसी आवाज़ आ रही है, जैसे बिल्ली करती है ना म्याऊं उस तरीके से, मुझे ध्यान रखना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। जल्दी से अपना पहले टिक्का बनाता हूँ। इसका थोड़ी सी हवा मार लेता हूँ भाई, इसका भाई हवा बहुत भयंकर चल रही है और लाइट भी अपनी हिल रही है। इस पर लाइट का जाने क्या हो गया अपनी, हवा इतनी ज़्यादा चल रही है कि अपनी लाइट भी हिल रही है। अब इस पर मक्खन लगा लेता हूँ,
क्या मस्त पनीर टिक्का बन रहा है अपना। पनीर टिक्का एक नंबर मस्त बन रहा है। बवाल हो तो आ जाइए। लेपट की आवाज है, इस लेपट की पक्का लेपट की आवाज है। इधर की तरफ से ही लेपट की आवाज, इधर की तरफ से ही है। वैसे सामने से लेपट की आवाज थी, बिल्कुल सामने थी, इधर की तरफ से ही यहाँ ही लेपट की आवाज है इस पक्का। और देखिए कोहराना शुरू हो चुका है, फॉग गई। बताओ ये म्यूजिक चल रहा है दूर, इस म्यूजिक की आवाज मैं सब सोच रहा बहुत देर से ना म्यूजिक की आवाज है, लेकिन बिल्कुल पास से गुर रहा है, बिल्कुल पास से ही, बिल्कुल पास में ही इसको सामने दिख रहा है। बस गाइस जल्दी पनीर टिक्का अपना देखिए बन चुका है। बस अब सीधा इसको मैं खाता हूँ और मैं चलता हूँ गाड़ी में। अब बाहर रुकना खतरे से खाली नहीं है यहाँ एक मिनट भी, क्योंकि गाइस लेपर्ड बिल्कुल ठीक सामने है। मुझे बहुत देर से आवाज आ रही थी, बहुत देर से मैं काफी देर से सोच रहा था पता नहीं किस चीज की आवाज है। मैं सोच रहा कि म्यूजिक चल रहा है, वहां से म्यूजिक की आवाज आ रही है कि म्यूजिक की आवाज है, लेकिन बिल्कुल पास में ही देखो गाइस, देखो देखो लेपर्ड, देखो लेपर्ड की आवाज, देखो गाइस यहीं से गुर्रा रहा है यहीं से। बस जल्दी खाता हूँ गाइस, अब नहीं रुकता मैं, डिनर भी अपना गाड़ी में करूंगा मैं, नहीं भाई रुकता अब गाइस बाहर। और पनीर टिक्का तो अपना रेडी हो चुका है और मैं डिनर भी अपना गाड़ी में ही बैठ के करूंगा, क्योंकि मैं अब यहाँ बाहर एक मिनट नहीं रुकूंगा, एक मिनट भी। लेपर्ड है सामने, टाइम काफी हो चुका है, 9 बज चुके हैं मुझे मजे मजे में ना, और मेरी आग भी बुझ चुकी है गाइस। मेन चीज ये है कि आग बुझ चुकी है और आज आग बुझने के बाद खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। बस पनीर टिक्के को जल्दी से इसमें काट लेता हूँ, इसको तो मसाला वसाला सब अंदर उठा लेता हूँ, सब डालूंगा अंदर मसाला वसाला, क्योंकि अब मैं यहाँ बाहर रुकूंगा ही नहीं। ये मसाले अंदर ले लेता हूँ और मैं चलता हूँ सीधा कार में, क्योंकि यहाँ बाहर नहीं रुकता बिल्कुल भी। तो गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ और देखिए ये है अपना पनीर टिक्का। बस अब अपना पनीर टिक्का खत्म हुआ, इस देखिए एक नंबर अल्टीमेट। गाय पनीर टिक्के में तो अलग ही स्वाद आता है, पनीर टिक्का हो गया, सोया चाप मेरी फेवरेट है। और गाय मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ, अब कोई खतरा नहीं बाहर, क्योंकि लेपर पास में ही है। चलिए अपना जल्दी से डिनर को फिनिश करता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। तो गाय डिनर अपना हो चुका है, बस अब अपना आराम से सोता हूँ, क्योंकि लेपर बाहर है उसको होने दो, अगर आवाज आवाज आएगी तो मैं पक्का रिकॉर्ड करूंगा, आपको भी सुनाऊंगा। फिलहाल अब सोता हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है गाइस। तो चलिए मिलते हैं सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। आवाज़ आ रही है, लपट की आवाज़ आ रही है। अभी तो मैं लेटा ही था, मुश्किल 5 मिनट हुई होगी, गुरानी की आवाज़ आ रही है, इधर की साइड से आ रही है, इधर की साइड से। गाड़ी की लाइट के अंदर की लाइट को बंद करता हूँ, कुछ नज़र आ जाए बाहर का। इधर की तरफ से आवाज़ आ रही है और बहुत तेज गुर्राने की आवाज़ है, बहुत तेज। कोई नहीं अपना आराम से सोता हूँ, ये तो गुर्राता रहेगा। मैंने अगले वाले शीशे थोड़े थोड़े खोल दिए, पीछे के नहीं खोले। तो चलिए गाइस बस अपना आराम से अब सोता हूँ। मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है और गाइस ठंड बहुत भयंकर हो रही है, बहुत ज़्यादा।
काफी देर से जगा हुआ हूँ, करीबन एक घंटा हो गया, अब दिन निकला है और गाइस 7 बज रहे हैं और देखिए पूरा कोहरा कोहरा छाया हुआ है, इतनी भयंकर ठंड है, बहुत भयंकर। अब सोच रहा हूँ एक मस्त कॉफी बनाता हूँ, कड़क कड़क कॉफी पीते हैं तब यहाँ से चलते हैं। तो गाइस ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत भयंकर ठंड है, गाड़ी से बाहर पूरे हाथ सुन पड़ गए हैं। कैसे कैसे कॉफ़ी बनाई है मुझे पता है, जल्दी जल्दी कॉफ़ी बना के बस गाइस अब यहाँ से चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि गाइस बहुत हिम्मत लगती है और बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो लाने के लिए। आपको पता है कि रात कितना रिस्क था, लैपटॉप बिल्कुल मेरे पास में था लेकिन फिर भी यहाँ रुके और आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, मिलते हैं एक ऐसे ही नई कैंपिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।